जैस्मिन परी और देवकन्या। एक गांव में रणधीर, उसकी पत्नी नेमा, बेटी देवकन्या और बेटा देवव्रत रहा करते थे। देवकन्या रणधीर की पहली पत्नी की बेटी थी। नेमा देवकन्या से बड़ा सौतेला व्यवहार करती थी, उसे मनहूस मानती थी। देवकन्या कहाँ चली गई? जल्दी से आ, घर का सारा काम पड़ा है और तू मजे कर रही है। माँ, सवेरे से उठकर घर के सारे काम ही तो कर रही हूँ। मैं सफाई का काम कर रही थी, आपके कपड़े भी धो दिए हैं, छोटे भैया के कपड़े धोने बाकी हैं। ठीक है ठीक है, ऐसी बता रही है जैसे कोई बड़ा तीर मार लिया हो। कोई भी काम ठीक से नहीं करती है, कपड़े साफ नहीं हुए तो तेरे सर पर फेंक कर मारूंगी, मनहूस कहेगी। जा अपना काम कर। माँ, दीदी को क्यों डांट रही हो? वो काम ही तो कर रही है। बेटा, तू इस करम जली को नहीं जानता। पैदा होते ही अपने माँ को खा गई। तेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, ये बड़ी मनहूस है। सवेरे सवेरे अगर इसका चेहरा देख लो तो पूरा दिन खराब हो जाता है। तेरे पापा भी इसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, तू भी सवेरे इसका चेहरा मत देखा कर। माँ, कैसी बातें कर रही हो? मैं इन सब बातों को नहीं मानता। मैं तो रोज दीदी का मुंह देखकर उठता रहा हूँ, मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है। आप तो सवेरे सोई रहती हो, दीदी ही मुझे उठाती है, चाय पिलाती है, नाश्ता कराती है। आज सवेरे मेरे पैर में दर्द हो रहा था, जब दीदी को मालूम पड़ा तब उन्होंने ही आकर मेरे पैरों में लेप लगाया तो मेरा सारा दर्द भाग गया। दीदी अक्सर अपने हिस्से की भी मुझे खिला देती है। कल जलेबी आई थी, मैंने अपनी सब खा ली, तब दीदी ने अपने हिस्से वाली जलेबी भी मुझे खिला दी। एक आखिरी जलेबी बची थी, वो मेरे बहुत कहने पर दीदी ने ही खाई। हैं? इस कलमुही ने तुम पर ना जाने कौन सा जादू कर दिया है, दीदी के नाम की माला जपते रहता है। अरे पगले, तेरी सगी बहन नहीं है, तू इसकी बातों में मत आया कर। मम्मी, मुझसे ये सगे सौतेले की बात मत कीजिए। मैं और दीदी दोनों एक ही पिता की संतान है। मुझे छींक भी आ जाए तो वो चिंता में पड़ जाती है और दवाई लेकर दौड़ती है। ऐसी दीदी भगवान सबको दे। मम्मी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी इतनी सुंदर दीदी को कलमुही मत कहो, देवी जैसा चेहरा है मेरी दीदी का। पता नहीं तुझे देवी कैसे दिखती है। अच्छा जा अपनी पढ़ाई कर। दीदी मुझे पढ़ाएगी, उनके पढ़ाने से मेरा नंबर बहुत अच्छा आता है। दीदी ने कहा है मैं आगे चलकर बड़ा अफसर बनूंगा। माँ, मैं अपनी दीदी को दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। अब दीदी के नाम की माला जपना बंद कर दे। नेमा पैर पटकती हुई चली गई। देवव्रत भी बाहर चला गया। देवव्रत के पापा का सर भारी था और वे लेटे हुए थे। देवकन्या समझ गई और वो जाकर पीछे से पापा का सर दबाने लगी। बड़ा आराम लग रहा है, अभी तक तो सर फटा जा रहा था, अब ऐसा लगता है कि दर्द कहीं छू मंतर हो गया। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? पापा, मैं हूँ, आपको तकलीफ में देखी सो चली आई, अब आपका सर कैसा है? तुम हो, मैं समझा कि तुम्हारी मम्मी। ठीक है, जाओ, दर्द चला गया। उधर देवकन्या दूसरे काम में लग गई। शाम होने को आ गई। अभी तक नेमा ने देवकन्या को खाना भी नहीं दिया था। मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है, सवेरे से कुछ भी नहीं खाया, क्या मैं खाना खा लूं? बड़ी छूटी है, कितने बार खाएगी? बकासुर हो गई है क्या? मम्मी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने खाना नहीं खाया है। जा लेकर खा ले, रात वाला चावल दाल खा लेना। ठीक है मम्मी, खा लूंगी। देवकन्या दुखी मन से किचन की तरफ बढ़ गई। वहाँ जब उसने बासी चावल दाल के बर्तन खोले तो आश्चर्य में पड़ गई। उसमें ताजे गर्मा गर्म स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए थे। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो ताज़ा खाना बनाया, वो तो अलग है, मेरे सिवा किचन में कोई आता नहीं। ऐसा लगता है देवव्रत भैया ने लाया होगा, चलती हूँ उसके साथ मैं ही खाऊंगी। देवकन्या वो व्यंजन परोसकर दूसरे कमरे में चली गई और उसने देवव्रत भाई को भी बुला लिया। दोनों बैठकर खाना खाने लगे। भाई, ये खाना तूने कहाँ से लाया? मैं नहीं लाया, इसे तो आपने बनाया, बहुत स्वादिष्ट खाना है। मैंने नहीं बनाया। फिर ये कहाँ से आया? पीछे से एक सुंदर परी की खनकती हुई आवाज आई। ये मैंने लाया है। देवकन्या, तुम इतनी नेक हो, सारा काम ईमानदारी से करती हो, माँ की सारी बातें भी सहती हो, रोज बासी खाना खाती हो,
इसलिए मैंने सोचा कि आज ताजा खाना खिला दूं। दीदी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप रोज बासी खाना खाती हो, मुझे ताजा खिलाती हो, धिक्कार है मुझ पर। अरे भाई, वो भी तो अन्न ही है, मैं अपने भाई को क्यों बासी खाना खिलाऊं? परी रानी, आपकी बड़ी मेहरबानी, जो आपने बताया, आज के बाद मैं दीदी को बासी खाना नहीं खाने दूंगा। मेरा नाम जैस्मिन परी है, मुझे बड़ी खुशी है कि आप दोनों भाई बहन में बड़ा प्रेम है। काश ऐसा ही भावना तुम्हारी माँ के अंदर भी आ जाए। अच्छा तो मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी। जैस्मिन परी उड़कर चली गई। नेमा वहाँ पर आ गई। अरे, बड़े सुंदर खाने की खुशबू आ रही है। देव कन्या, तुमने खाया लेकिन मुझे नहीं खिलाया, नालायक। अभी तुझे बताती हूँ। मम्मी रुक जाओ, दीदी की इसमें कोई गलती नहीं है। तू हट जा, आज मैं इसका मार मार कर ऐसा हाल कर दूंगी कि दोबारा ऐसी गलती करने के पहले 100 बार सोचेगी। मम्मी, अब सोचने की बारी आपकी है। आप जो रोज दीदी को बासी खाना खिलाती हो, आज एक जैस्मिन परी ने उसे खाने को स्वादिष्ट खाने में बदल दिया। दीदी ने वही खाना मुझे भी खिलाया और खुद भी खाया। अब बताओ, दीदी की क्या गलती है? आज के बाद मेरी दीदी बासी खाना नहीं खाएगी। तू और तेरी दीदी दोनों मिले जुले हो, अभी तेरी दीदी की खबर लेती हूँ। इतना कहकर नेमा गुस्से में देव कन्या को मारने के लिए आगे बढ़ी तो उसके पैर में मोच आ गई और वो गिर पड़ी। हाय, मैं मर गई, लगता है पैर टूट गया, इसी कलमुही ने जादू टोना कर दिया। बहुत दर्द हो रहा है बेटा, मुझे उठा, मैं चल नहीं पाऊंगी, बड़ा असहनीय दर्द है। अरे बाप रे। देवव्रत और देव कन्या के सहारे से नेमा खटिया तक पहुंच गई। वो चल नहीं पा रही थी, भयंकर पीड़ा से परेशान हो रही थी। हे परी रानी, आप कहाँ हो? मेरी माँ को बहुत पीड़ा हो रही है, आप जल्दी से आ जाओ, इन्हें इस कष्ट से मुक्त करो। ये नालायक तो बहुत खुश होगी, सोच रही होगी कि अच्छा हुआ, बहुत सताती है। हाय राम, बहुत पीड़ा हो रही है। मम्मी दीदी को कुछ मत कहो, उनकी मदद से ही तुम्हें आराम मिलेगा। रुक जाओ, शांति बनाए रखो। जैस्मिन परी वहाँ आ गई। देव कन्या, तुमने मुझे याद किया और मैं आ गई, बोलो क्या बात है? परी रानी, मेरी माँ गिर पड़ी है, इनको बहुत तकलीफ है, बड़ी पीड़ा हो रही है, इन्हें ठीक कर दीजिए, चाहे तो इनकी तकलीफ मुझे दे दीजिए, इन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए, आपकी बेटी आपके लिए क्या कह रही है, आपने इसे हमेशा दुख दिया, लेकिन ये आपका दुख दूर करना चाहती है। परी रानी, मेरा विनम्र निवेदन है, मम्मी की तकलीफ दूर कर दो। ठीक है। जैस्मिन परी ने अपनी जादुई चमत्कार से नेमा का दर्द खींच लिया और वो उठकर बैठ गई। अरे मैं तो ठीक हो गई, परी रानी ने ठीक कर दिया। दीदी की मेहरबानी से परी रानी ने ठीक कर दिया। क्या कहा? बहुत सही कहा, मेरी देव कन्या सचमुच देवी है, मैंने इसे बहुत दुख दिए है। मेरी बिटिया, मुझे क्षमा कर दे, मैंने तुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन तूने मेरी सगी बेटी से बढ़कर काम किया है। देव कन्या आगे बढ़कर माँ से लिपट गई और परी रानी मुस्कुराने लगी। देवव्रत भी खुशी से फूला नहीं समा रहा था। रोशन सितारा। कभी कभी आईने के सामने खड़ी 13 वर्षीय संतो गरीबी के साथ साथ कुरूपता का ऐसा मेल देखकर अपना चेहरा दोनों हाथों से ढाप कर सिसकने लगती थी। मुझे अपने इस बदसूरत चेहरे के साथ ही जीवन गुजारना है, पर मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करूँगी। पिता रामेश्वर के पास एक बैलगाड़ी थी जिसमें वो गांव के लोगों का सामान शहर ले जाता था। माँ लोगों के घरों में काम करती थी, आमदनी का कोई अन्य जरिया ना था। संतो, मैं काम पर जा रही हूँ, आज भाई को देखना, स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन माँ, आज तो मेरा स्कूल जाना बहुत जरूरी है, मास्टर जी ने कहा था कि आज वजीफा मिलने वाली परीक्षा है, उसमें पास हो जाऊंगी तो मुझे प्रति माह 20 रुपए वजीफा मिलेगा। 20 रुपए? अच्छा ठीक है, जा, मैं किसी तरह संभाल लूंगी। तब तक उसके पिता रामेश्वर आ गए। क्या करेगी पढ़ लिख कर, घर के काम काज सीख ले, वही काम आएंगे, सूरत भी तो नहीं दिया ऊपर वाले ने। जा, पहले पानी लेकर आ।
संतों को तो आदत ही पड़ गई थी अपने पिता से जली कटी सुनने की। वो तो कई बार अपने पिता के सामने भी नहीं पढ़ना चाहती थी। उठकर पानी दिया, फिर स्कूल के लिए तैयार होने चली गई। दो दिन कपड़ों में ही पूरा साल गुजर जाता था, पर वो कभी अपने माता पिता से कपड़े न मांगती थी। स्कूल पहुंची तो इतनी देर कहां लगा दी? मास्टर जी, भाई को संभाल रही थी। कल से टाइम से स्कूल आ जाना, वरना सारे दिन खड़े रहना पड़ेगा। जी मास्टर जी। सभी लड़के लड़कियां ठिठाकर हंस पड़े। उस दिन परीक्षा हुई, एक महीने बाद रिजल्ट आया तो पूरे स्कूल में संतो का नाम वजीफे के लिए आया। संतो, कल अपने पिता को बुला कर ले आना। दूसरे दिन रामेश्वर स्कूल आ गया। बिटिया को वजीफा मिलेगा, उसकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए किसी भी हाल में। पढ़ने में बहुत होशियार है वो, नाम रोशन करेगी आपका भी और साथ साथ हमारे स्कूल का भी। अब ठीक है। उन्होंने संतो की तरफ एक उचटती हुई दृष्टि डाली, पर उसके काले रंग और बदसूरती से उसका मन अजीब सी वितृष्णा से भर गया। घर आकर पत्नी से, लो 20 रुपए महीने तो ये कमा कर लाएगी, इसके बदले इसे स्कूल भेजना होगा। माँ ने सुना तो बेटी को कलेजे से लगा लिया। संतो पिता के गले लगने का सपना देखने का तो साहस भी नहीं कर सकती थी। कभी कभी कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इनकी सौतेली बेटी हूँ, परंतु अगले ही पल पिता की भौंडी नाक और अपनी नाक का एक जैसे होना उसका सगे बाप का आभास करवा देता। जब उसकी पहली वजीफे की रकम आई तो सबसे पहले घर की मरम्मत करवाने का फैसला किया गया था। बरसात में चारों तरफ से घर टपकता तो सारी रात आंखों में ही काटनी पड़ती थी। एक दिन रात में जब लालटेन की रोशनी में बैठी संतो अपना पाठ याद कर रही थी। इतना तेल कहाँ से आएगा कि रात में बैठकर तू पढ़ाई करेगी? बंद कर दे लालटेन, वरना कल के लिए तेल भी नहीं बचेगा। लो, बंद कर दिया लालटेन। संतो घर से बाहर आ गई, स्ट्रीट लाइट की चमकती रोशनी के नीचे बैठकर पढ़ने लगी। एक घंटे पढ़कर घर में गई तो सब सो रहे थे। पढ़ लिख जाऊंगी तो अपने घर में कुछ करूं चाहे ना करूं, सबसे पहले बिजली का तार जरूर जुड़वाऊंगी। सुबह माँ की आवाज सुनाई पड़ी, अरे संतो उठ जरा, भाई को देख बेटी, ये भी आज सुबह सुबह ही उठ गया। मैं खाना बना रही हूँ, काम पर भी जाना है मुझे। संतो माँ की आवाज सुनते ही चारपाई से उठकर भाई को गोद में लेकर चुप कराने लगी। तभी, अरे इस चिलगोजे को बाहर लेकर जा, घर भर के नींद खराब करके रख दी है। तुम दोनों माँ बेटी को समझ में नहीं आती है क्या? संतो बच्चे को उठाकर घर के बाहर चली गई। पड़ोस का मन्नू अपने ढोर चराने के लिए जा रहा था। चलेगी ढोर चराने? नहीं, मैं स्कूल जाऊंगी, तू जा। तेरा मन नहीं करता खेतों, पहाड़ों, कलकल करते झरनों और जंगलों में दौड़ने का? दिन भर किताबें पढ़ती रहती है। देख मन्नू, उसके लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी पढ़ लिख कर कुछ बन गई तो अपने गांव को छोड़कर बाहर की दुनिया भी देख पाऊंगी, वरना गांव की लड़कियों की तरह यही के जंगलों में भटक कर रह जाऊंगी। तेरी बातें मेरी समझ से परे हैं, मैं तो चला अपनी ढोर चराने। संतो घर में आई तो माँ का काम खत्म हो गया था। संतो, भाई को मुझे दे दे, जा जाकर तैयार हो जा। संतो स्कूल जाने के लिए निकलने ही वाली थी कि संतो, ओ संतो, जरा मेरे नहाने के लिए कुएं से पानी भर कर ला तो, मुझे जल्दी जाना है आज। संतो स्कूल जा रही है, इतनी छोटी बच्ची कुएं से पानी कैसे लाएगी, तुम ही ले आओ ना। तेरी फूल कुमारी बड़ी नाजुक है तो तू ही लेकर आ मेरे लिए पानी। संतो रोज रोज की इन जली कटी बातों से दुखी हो जाती, स्कूल जाकर सब भूल जाती, पढ़ाई के सामने सारा दुख दर्द बेमानी हो जाता। अपनी कक्षा की मॉनिटर होकर उसे लगता कि पूरी दुनिया ही उसकी मुट्ठी में है। उसने 12वीं की परीक्षा दे दिया, पूरे जिले में अव्वल लाई थी, हर जगह संतों की चर्चा थी। उस दिन हमारी संतों ने तो जिले में अव्वल आकर बड़ा नाम कमा लिया। अपने बलबूते पर ही पढ़ रही है। माँ, मुझे शहर में पढ़ने भेजोगी ना? हमारे गांव से कभी कोई लड़की शहर पढ़ने नहीं गई, तो तू कैसे जाएगी? बस तेरी शादी कर दे तो हमारी भी छुट्टी हो जाए। माँ, हर बात का अंत शादी ही नहीं है, मुझे कॉलेज जाना है, कोई ना कोई तो पहली बार जाएगा ही।
इसको अपने वजीफा का बड़ा घमंड हो गया है। बापू, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। आपकी सारी नफरत बर्दाश्त करके भी आगे बढ़ती रही, पर अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ। तेरी इतनी हिम्मत की, तू मुझसे ही जवान लड़ाएगी? देखूं तो कैसे जाती है कॉलेज। रामेश्वर ने उसका घर से निकालना बंद कर दिया। संतो रोती रही, पर उसे तरस न आया। घर मिट्टी का होने की वजह से एक दिन संतो ने कमरे से ही खुदाई करके रास्ता बना लिया और रात के समय अपनी गठरी लेकर बाबू की बैलगाड़ी में जाकर छुप गई। सुबह रामेश्वर जब बैलगाड़ी लेकर शहर गया तो वो रामेश्वर से छुपकर उतर गई। सुबह रामेश्वर के जाने पर माँ ने ताला खोला तो, मुझे पता था कि यही होगा, उसके आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। किसी तरह रहने का ठिकाना मिल जाए तो पढ़ाई तो मैं कर ही लूंगी। सुबह के 10 बजे थे। चलते चलते वो एक कॉलेज के सामने जाकर खड़ी हो गई और धड़ेले से प्रिंसिपल के कमरे में चली गई। चौकीदार ने रोका भी, पर तब तक वो पहुंच चुकी थी। कहिए, किससे मिलना है? मैडम, आप चाहे तो भविष्य में मैं भी आपकी तरह एक महत्वपूर्ण पद ग्रहण कर पाऊंगी, वरना मेरे माता पिता मुझे घर गृहस्थी की बेड़ियों में जकड़ देंगे। उसने सारी बात प्रिंसिपल को बताई। उसका आत्मविश्वास देखकर प्रिंसिपल ने न केवल एडमिशन बल्कि हॉस्टल भी दे दिया। संतो 2 साल तक गांव नहीं गई। पढ़ाई खत्म होने पर उसने बच्चों की ट्यूशन की और शाम को एक दुकान पर साड़ी बेच दी। 1 साल बाद उसने PCS की परीक्षा दी। जब उसका चयन पुलिस DSP पद के लिए हुआ तो वो बहुत खुश थी। संतो, हमें तुम पर बड़ा गर्व है। मैडम, मुझे यहाँ तक पहुँचाने में आपका सबसे बड़ा सहयोग है। जिस दिन उसने यूनिफॉर्म पहनी, उस दिन सबसे पहले अपने गांव गई। 3 साल बाद गांव आई थी, अपनी माँ के सामने गई। माँ, तुम्हारी बेटी पुलिस अधीक्षक बन गई है, आशीर्वाद नहीं दोगी? माँ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पिता को तो उससे आंखें मिलाने का साहस न था, नजरें नीची कर ली थी उन्होंने। संतो, तू हमारे गांव का रोशन सितारा है। जिस गांव की बेटी इतने बड़े पद की स्वामिनी बनी थी, वो गांव रातों रात सबकी जुबान पर था। सरकार ने उस गांव की सड़कों का निर्माण करवाया, बिजली के तार खिंचवाए। स्कूल में 15 अगस्त के दिन स्पेशल गेस्ट के रूप में संतो को बुलाया गया। मैं चाहती हूँ मेरे गांव का हर बच्चा, चाहे वो लड़की हो या लड़का, पढ़ लिख कर अपने पैर पर खड़ा हो। अब बिजली भी आ गई है, हमने अपनी पढ़ाई स्ट्रीट लाइट में की है। हमारे पास लालटेन में डालने के लिए तेल का भी अभाव था। तालियों से पूरा स्कूल गूंज उठा। अब वो स्कूल से बाहर आई। मुझे माफ नहीं करोगी बेटी? संतो ने अपने आंसू छिपाने के लिए अपना चश्मा लगा लिया। इसी दिन के लिए वो जीवन भर तरसती रही थी। आज उसने सिद्ध कर दिया था कि इंसान सूरत नहीं सीरत से बड़ा बनता है।